हेलो प्रो गैंग, कैसे हो सब लोग? प्रोगिरी तो कर रहे हो ना यार। वीडियो के स्टार्टिंग में कौन ऐसा फालतू सवाल पूछता है? तो फिर भाई इसको क्या हो रहा है? ओए क्या हुआ, 2 दिन से खाना नहीं खाया गया तूने? ऐसे क्यों चल रहा है? कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा। देखा, ठीक हो गया ना भाई? देखो मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद मारा है, इसलिए मेरे ऊपर दोष मत डालना। तो तुम्हारा स्वागत है हमारे इस टाइम पास की जर्नी में, जिसमें कि हम लोग स्पेस में जाते हैं, टाइम ट्रेवल करते हैं और कभी कभी तो इस पूरी दुनिया को ही उड़ा देते हैं। दुनिया को उड़ाने की बात की तो काले बादल छा गए, बट इसका भी इलाज है मेरे पास, क्योंकि यू नो प्रो मैं। ओके, अभी और टाइम पास नहीं, मतलब टाइम पास की जर्नी में आया तो चलेगा, टाइम पास थोड़ा सह लो। हाँ, तो कुछ दिन से मैं सोच रहा था कि क्या हो अगर हम लोग माइनक्राफ्ट में आयरन मैन बन जाए तो, क्यों है ना एकदम मस्त आइडिया। सोचो कितना मजा आएगा जब हम लोग आयरन मैन बनेंगे, है ना? बट अब ज्यादा खुश मत हो जाओ, क्योंकि देखो आयरन मैन का सूट बनाना हलवा नहीं है, इसलिए उसको हम लोग तो नहीं बना सकते। हम लोग क्या, कोई भी नहीं बना सकता सिवाय टोनी स्टार्क के। कुछ समझ रहे हो तुम लोग? यस, क्योंकि अभी हमारे वर्ल्ड में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर में जाए और टोनी स्टार्क से वो आयरन मैन का सूट चुरा ले तो कैसा रहेगा? देखा, इतने अच्छा आइडिया के लिए तुम लोग को है ना एक लाइक को तो मारना चाहिए ना। 50,000 लाइक्स नहीं कर सकते तुम लोग, छी। ओके, तो फिर अभी हम लोग को फ्यूचर में जाना है और फ्यूचर में जाने के लिए हम लोग को चाहिए रहेगा टाइम मशीन। फिर टाइम मशीन आई थिंक यही कहीं होगा, ये रहा। वाओ मेरी प्यारी टाइम मशीन। तो फिर अभी इसी टाइम मशीन से हमको जाना है टोनी स्टार्क के जमाने में। तो देखो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, अरे यार क्या हो रही है? फिर मुझे क्या लग रहा है कि माइनक्राफ्ट में अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ ही नहीं है, एंड हम लोग को ये भी नहीं मालूम कि माइनक्राफ्ट के अंदर कौन सा ईयर चल रहा है। और तुम लोग को याद है जब हम लोग ये टाइम मशीन से 2070 पे गए थे, तो फिर उस समय तक माइनक्राफ्ट पूरा बदल चुका था। तो फिर शायद से मुझे 2070 के आसपास ही कहीं जाना चाहिए, एंड वहीं पर होगा टोनी स्टार्क का सूट। तो टाइम ट्रेवल करने से पहले हम लोग पहन लेते अपना बैडएस सूट, क्यों लग रहा हूँ ना मैं फिर से एकदम कूल? तो रेडी हो जाओ टाइम ट्रैवल करने के लिए। तो इस बार हम लोग जाएंगे 2060 में, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। सो इसलिए ये ईयर एकदम परफेक्ट होगा, एंड इसको हमको रखना है यहाँ पे। एंड चलो चलते हैं, 3, 2, 1। ओह यस, जा रहे हम लोग 2060 में, और ये टाइम ट्रैवलिंग कितना कूल लग रहा है। और वेट, हम लोग आने वाले हैं इतना जल्दी? तो फिर ऑलमोस्ट आ गए हम लोग फ्यूचर में। और ये देखो क्या सिटी है। एंड वेट, मेरी टाइम मशीन बदल गई। याद है हम लोग जब पास्ट में गए थे तभी भी ये टाइम मशीन बदली थी, एंड अब जब हम लोग फ्यूचर में आ गए तब तो ये और भी कूल लग रही है। एंड ये क्या है भाई, रास्ते के बीच में बेड कौन रखता है? लोग रस्तों पर गाड़ियाँ चलाने आएंगे कि सोने आएंगे? ओके कोई बात नहीं। और अभी हमें ढूंढना है कि टोनी स्टार्क का घर कहाँ पे, वो भी इतने बड़े सिटी में। बाप रे, ढूंढना तो इम्पॉसिबल है, बट कोई बात नहीं, प्रोगो इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ यार सच में बहुत मस्त है ये फीचर। और ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ भी है। ओह ठीक है, टैंक है ये तो। बाप रे, किसको उड़ाने वाले ये लोग? और ये क्या मेरा फूड लेवल? यार अभी खाने को कहाँ मिलेगा? और ये क्या लिखा है, एक्स्ट्रा कूल। यहाँ पर भी सेम, ये देखो इस बिल्डिंग के गेट पर भी लिखा है, पता नहीं किस पागल ने लिखा ये। वो देखो वहाँ पे एक चेस्ट है, देखते क्या है अंदर। सिर्फ एक पॉर्क चॉप। ओके चलो एक ही सही, कुछ खाने को तो मिला। ओके चलो, अभी टोनी स्टार्क कहाँ छुप के बैठा है? बाहर आ जा चुपचाप, वरना ये देखो यहाँ पर भी है साइन बोर्ड, पता नहीं किस है। टोनी स्टार्क का बिल्डिंग है। वाह, यूनाबाद, इसका मतलब इसके अंदर मिलेगा हम लोग को टोनी स्टार्क। यस, ये देखो यहाँ पर सीढ़ी है। तो फिर हम लोग है ना सारे फ्लोर्स में जाके चेक करते हैं, क्या पता मिल जाए हम लोग को। ठीक है, चेस्ट यार कुछ नहीं डालना है तो मत रखो, चेस्ट तोड़ दो उसको। ओके चलो, यहाँ पर भी चेस्ट। अरे यार ये टोनी स्टार्क मेरे को अभी ट्रोल कर रहा है। भाई डरा दिया मुझे इन लोग ने। भाई किसका सर काट के फेंका है? ओए वेट, ये थोड़ा थोड़ा टोनी स्टार्क जैसा दिख रहा है ना, यही क्या घर? क्या पता, ऊपर जाके देखते, एकदम टॉप पर चलते। चलो ओके, एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ। ओह मिल गए, ये रहे आयरन मैन के सूट। वाओ, वो भी 3 अलग स्टाइल में। यार मजा आ गया एकदम। और एक अंदर एक चेस्ट भी है, एंड इसमें Mark 5 सूटकेस। ये क्या चीज है, इसको रख सकता हूँ क्या? ओ ये चीज शायद से मुझे मालूम है, इसके ऊपर हम लोग खड़े रहेंगे तो फिर अपने आप हम लोग को सूट पहनाएगा। मुझे देखते ये पहनाता है कि नहीं। ओके अब चल जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है। वेट मेरे को इसके ऊपर दबाना है क्या? ओ क्या बात है, अपने आप पहन लिया सूट। वाओ वाह, एकदम आयरन मैन वाली फीलिंग आ रही है। सॉरी टोनी स्टार्क, मैं तेरा सूट चुरा के भाग रहा हूँ। ओके चलो एकदम टॉप पे आ गए। अरे कितना बड़ा जंप मारता है ये। एंड अब देखते हैं क्या हम लोग इससे उड़ पाएंगे। 3, 2, 1। ओ ये तो सच में उड़ रहा है। ये देखो क्या मस्त सिटी दिख रही है ऊपर से। बट वेट यहाँ से सूट का पावर कम हो रहा है आई थिंक। इसे जल्दी से मुझे लैंड करना चाहिए। ओके यहाँ पे यस हो गया लैंड। ओ ये देखो रिपल्सर ब्लास्ट, देखते क्या करता है ये। ओ क्या सही है। एंड और भी है रिपल्सर बीम, ये ट्राई करते हैं। ओह यार बहुत मजा आ रहा है। और क्या है यूनी बीम। व्हाट ओके आई थिंक हम लोग को ये एबिलिटी पहले सीखनी पड़ेगी। मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ। एबिलिटी नॉट लर्न येट। तो आई थिंक अभी के लिए मैं इसकी फुल एबिलिटीज ट्राई नहीं कर सकता। और चलो अभी हम लोग चलते हैं और दूसरे वाले सूट्स भी ट्राई करके देखते हैं। ओके यही वाली बिल्डिंग थी शायद। नहीं शायद गलत घर में आ गया, सॉरी। ओके तो कौन सा था बिल्डिंग? ओह ये वाला था आई थिंक। यस यही वाला था। तो चलो अभी सूट को उतार देते। ओके उतर रहा है। वाह एकदम कूल स्टाइल में ना। एंड हमारे पास ये सूट केस भी आ गया वापस। तो फिर इस सूट केस को वापस चेस्ट के अंदर रखते हैं क्या ना, वरना चोरी का इंजाम लग जाएगा मुझ पर। तो फिर अभी हम लोग को कौन सा सूट पहनना चाहिए? आई थिंक मैंने जो भी पहना था वो यही सेम टू सेम था। तो फिर आई थिंक मेरे को पहनना चाहिए ये वाला। लेट्स डू इट। ओ डायरेक्ट पहन लिया। एंड ये भी एकदम झकास लग रहा है। चलो इसको भी ट्राई करके आते। ओह वेट ये उससे तेज है। सच में ये बहुत तेज उड़ रहा है। ओह मजा आ गया एकदम। क्या हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं? अरे यार कब सीखेगा फिर। आई थिंक अटैक्स तो सब सेम ही है, बस ये उड़ता बहुत फास्ट है। तो ये चलो एक बार हम लोग ये काला वाला ट्राई करके देखते हैं। तो फिर इसके अंदर डालने के लिए ओके हो गया। एंड अब पहनते ये वाला। ओह ये भी एकदम मस्त लग रहा है, पर इसके भी अटैक्स सब सेम ही है। कुछ तोड़ दिया क्या मैंने? टोनी स्टार्क मारना मत मेरे को। अगर मैं इसको मारूँ तो अरे और टूट गया। भाई मैं जा रहा हूँ। ओए ये तो और भी तेज उड़ रहा है। आई सही है। ओके तो ये चलो अब मैं ये सब सूट वापस रख देता हूँ। क्या है ना अगर टोनी स्टार्क आ गया ना और देख लिया मुझे मैं चोरी कर रहा हूँ ये सब, तो बहुत मारेगा मेरे को। अरे वो बच गया पागल, अब तो बिना फालतू का मरता था। तो चलो गाइस अभी हम लोग वापस प्रेजेंट में जाते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रहा तो फिर गेम ग्लिच भी हो सकती है और क्या पता मैं वापस अपने घर पर ना जा पाऊँ। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। 3, 2, 1। ओके जा रहे हम लोग अपने वर्ल्ड में वापस। वेट ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता। अरे वेट ये कौन से डायमेंशन में आ गया मैं?